नमस्कार। तो आज हम जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करें उसके कुछ सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको जो भी काम करना है हम वो काम दिमाग से नहीं दिल से करें। अगर कोई काम हम दिल से करते हैं तो वो काम हमें सफलता की ओर ले जाता है। इंसान को कई प्रकार की योजना बनानी चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो कि उसके सफलता में कुछ न कुछ सहयोग प्रदान करे। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ हाथ से काम करता है उसे हम मजदूर कहते हैं, और आप जानते हैं कि मजदूर दिन भर काम करता है लेकिन उसको जो आमदनी है वो बहुत कम मिलती है। तो जो सिर्फ हाथ से काम करता है उसे मजदूर कहते हैं, जो हाथ और दिमाग दोनों से काम करता है उसे कारीगर कहते हैं। जैसे घर बनता है तो जो घर बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए कारीगर होता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, और जो ईंटा या गिट्टी पत्थर ढोता है उसे कम पैसा मिलता है क्योंकि वो मजदूर है, और जो घर बनाता है मंदिर बनाता है वो कारीगर है। तो कारीगर दिमाग से भी काम करता है और हाथ से भी काम करता है, परंतु जो हाथ से दिमाग से और दिल से काम करते हैं उसे कलाकार कहते हैं, और वही जीवन में सफल होता है। आते हमें अपने काम को दिमाग से भी करना है, हाथ से भी करना है और दिल से भी करना है, तब वो ऐसा व्यक्ति कलाकार कहलाता है और वह अपने जीवन में सफल होता है। हमें हमेशा इस चीज को प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति का चरित्र और चिंतन हमसे छोटा है उससे हम दूर रहें। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं कर रही अधम कर शंगा। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने से कम बुद्धिमान या कम चरित्रवान व्यक्ति का कभी साथ नहीं करता। बुद्धिमान का मतलब उसका चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो उसको उसका साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चरित्र अच्छा होगा उसकी आदत अच्छी होगी वही भाग्य बनाएगा। हम अक्सर सुनते हैं महापुरुषों के द्वारा कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, लेकिन वो स्वयं निर्माता तो है लेकिन निर्माण कैसे करता है, निर्माण करने की विधि क्या है? उसकी विधि है कि हम अपने चरित्र और आदत को सुधार लें। यदि हम अपने चरित्र और आदत को सुधार लेते हैं तो हमारा भाग्य अपने आप सुधर जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम यदि बल्ब हम जला देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। अंधेरा जाने के लिए हमें कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ स्विच ऑन करना पड़ता है। उसी तरह से सफलता के लिए हमें अपनी आदत और चरित्र में ध्यान देना है। आदत और चरित्र जो है सफलता के स्विच है। जैसे पंखा चलाने के लिए रेगुलेटर का यूज करते हैं जिससे कम और अधिक पंखे की स्पीड की जा सकती है और स्विच ऑन कर देते हैं, तो उसी तरह से जो आदत है और चरित्र है ये स्विच और रेगुलेटर की तरह काम करता है, और जो सफलता है वो पंखे की तरह काम करता है। तो हम अपने चरित्र को उन्नत करते जाएं, रेगुलेटर की तरह काम करेगा और हमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। हम देखते हैं कि आदमी मुख्य रूप से दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक सामान्य आदमी और एक महापुरुष उत्तम प्रकृति का आदमी। तो जो सामान्य आदमी है ये छोटे लोग हैं, वह 10% अपने जीवन में 10% ही व्यवहारिकता पे डिपेंड करते हैं और 90% अपना समय टेक्नोलॉजी में बिताते हैं। जैसे फेसबुक में बिताएंगे, व्हाट्सएप में बिताएंगे, ट्विटर में बिताएंगे, तो उनका 24 घंटे का 90% भाग टेक्नोलॉजी में जाता है और 10% का भाग व्यवहार में जाता है। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं उनका 90% जो समय है वो व्यवहारिकता में जाता है, वो लोगों के बीच में व्यतीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनको सिखाते हैं, और सिर्फ 10% ही उनका समय टेक्नोलॉजी में जाता है। इसीलिए वो व्यवहारिकता के कारण ही अपने जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना और अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण हो जाना सफलता नहीं है। सफलता लाने का एक आईएएस और आईपीएस भी जो है ना, वो सफल तभी होता है जब वो लोगों के बीच में जाता है, जनता के बीच में जाता है और जनता के हित में काम करता है। और अगला हमें ये देखना है कि जमाना क्या कहेगा,
हमको इस पे नहीं देखना है, हमारा दिल दिमाग जो कहता है हमें उसके अनुसार काम करना है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें कभी कभी कोई काम करने की इच्छा नहीं पड़ती, हम कहते हैं हमारा मूड नहीं है, हम ये काम नहीं करना चाहते। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है और जो हमारा मूड है उसमें हम किसको महत्व देते हैं। यदि हम मूड को महत्व देते हैं तो हमारा लक्ष्य उद्देश्य पीछे रह जाएगा, और यदि हम उद्देश्य और लक्ष्य को हम महत्व देते हैं तो हमको अपने मूड का पीछे करना पड़ेगा। अर्थात जैसे कहते हैं कि यार हमें आज ये खाने का मन है, आज हमें यहाँ जाने का मन है, अब अगर हम ये मन के अनुसार खाना खाएंगे, मन के अनुसार यदि हम घूमने जाएंगे तो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य पीछे हो जाएगा। इसलिए सफलता का एक मुख्य रीजन ये भी है, उपाय ये भी है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको लक्ष्य और अपने उद्देश्य को प्रायोरिटी देना है, उसको ज्यादा महत्व देना है, और हम अपने मूड को, अपने मन को, हमारा क्या मन कहता है उसको हमको प्राथमिकता कम देना है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने अपनी बात आपसे शेयर की। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। जय श्री राम।